The fight. स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दो तमिल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। एक तरफ विक्रम स्टारर मूवी कोबरा रिलीज के आज पूरे 9 दिन कंप्लीट हुई है, तो कोबरा मूवी के 9 दिनों के टोटल कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ आज रिलीज हुई है अनदर तमिल मूवी आर्या स्टारर मूवी कैप्टन, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको भी बताएंगे आखिर कैप्टन मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करने लगे हैं वर्ल्ड वाइडली। आपसे उम्मीद है वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें कोबरा मूवी के बारे में, विक्रम स्टारर मूवी कोबरा जो मूवी 31 अगस्त को रिलीज हुई थी, आज रिलीज के पूरे 9 दिन कंप्लीट हुई है। इस मूवी के टोटल जो बजट थे पूरे 90 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कोबरा मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 17 करोड़ 45 लाख रुपए। मूवी ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 15 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों कोबरा मूवी ने शुरुआती 7 डेज यानी फर्स्ट वीक पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 40 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी के दूसरा वीकेंड कल से शुरू हुई है। इस मूवी ने रिलीज के 8वें दिन भी यानी कल इस मूवी ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 9वें दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार आज ये मूवी कोबरा इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे हैं लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। और इसी के साथ दोस्तों कोबरा मूवी के 9 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 43 करोड़ 30 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 9 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हुई है पूरे 58 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों ओवरसीज मार्केट पे इस मूवी ने हिट वाला बजट अपने नाम कर ली है। मूवी ने अपने 9 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से पूरे 17 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी के 9 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 58 करोड़ रुपए, जो हुई है 58 करोड़ रुपए, और 9 दिनों का टोटल ओवरसीज कलेक्शन आया है पूरे 17 करोड़ रुपए। यानी विक्रम स्टारर मूवी कोबरा मूवी के 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन हो गया है पूरे 75 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है कोबरा मूवी के 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन, जो कि हो चुके हैं पूरे 75 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों तमिल मूवी अनदर तमिल मूवी जो आज रिलीज हुई है कैप्टन मूवी के बारे में, तो दोस्तों कैप्टन आज रिलीज हुई है और हर तरह से अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिलने लगे इस मूवी को। ये मूवी सुपर हिट ओपनिंग ली है। बताना चाहूंगा इस मूवी के कलेक्शन को बताने से पहले इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों कैप्टन मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 15 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कैप्टन मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्यूपेंसी ऑडियंस की तरफ से 75% हाउसफुल देखने को मिले हैं और आफ्टरनून शोज के ऑक्यूपेंसी 70% हाउसफुल रहे हैं। यानी अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार कैप्टन मूवी के रिलीज के पहले दिन का इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 3 करोड़ रुपए, जबकि इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन होने लगे पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार ये मूवी रिलीज के पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन करने लगे हैं लगभग 80 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों जहां पे मूवी के पहले दिन के टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 4 करोड़ 20 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी के पहले दिन के टोटल ओवरसीज कलेक्शन आने लगे हैं पूरे 80 लाख रुपए। यानी कैप्टन मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है कैप्टन मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन, जो कि होने लगे हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों क्या लगता है कैप्टन मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाएगी या हो जाएगी फ्लॉप, आपके हिसाब से क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय दोस्तों।